खबर ग्वालियर से है, जहां देर रात पुलिस ने मुरैना से कांग्रेस के तीन बड़े नेताओं अशोक सिंह, रामनिवास रावत और सतीश सिंह सिकरवार सहित कई विधायकों को गिरफ्तार कर सिविल लाइन में नजर बंद कर दिया है, जिसे लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव से पहले मुरैना में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। वहीं कांग्रेस ने पुलिस पर जिला पंचायत सदस्यों को नजरबंद करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, साथ ही SP ऑफिस का घेराव करते हुए नारेबाजी की। बता दें कि देर रात कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामनिवास रावत, विधायक राकेश मावई, अजब सिंह कुशवाह, रविंद्र सिंह तोमर, सतीश सिकरवार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक सिंह समेत अन्य कांग्रेस नेता SP ऑफिस पहुंचकर धरने पर बैठ गए थे। हमने वहाँ पे गाड़ी को खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद हमने कहा अपन चले, उधर से आ जाएंगे, अपन रास्ते में मिल लेंगे, फोन कर लेंगे। तो हम जा रहे थे, जब ट्रैक्टर उन्होंने आगे कर दिया, जिन्होंने अविनाश राठौर जी नाम है उनका, पुलिस थाना प्रभारी, उन्होंने ट्रैक्टर आगे करने के बाद में हमारी पूछताछ की कि वो कहाँ है, हमने मारपीट की है, उन्होंने कहा वहाँ छोड़ा, उन्होंने हमारी मारपीट कर हमारी गाड़ी जब्त करने के बाद उनकी गाड़ी में बिठाया, जब्त करने के बाद में गाड़ी बिठाने के बाद में उन्होंने हमें घुमाया कहाँ इधर उधर ले जाने के बाद में। आज कांग्रेस के कुछ जनप्रतिनिधि हमारे पास में आए थे और उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं। हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप लिखित में अपना आप कंसर्न दें और उसके एक पॉइंट पे हम जांच करवाएंगे, यदि उसमें जरा सी भी सच्चाई हुई तो जो सही कार्रवाई है सही कार्रवाई की जाएगी।